वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे शिक्षक साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि आपको परिषदीय विद्यालय के बच्चों को किस तरीके से वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप जाएंगे prerna.up.in की वेबसाइट पर, यानी कि prerna.up आप वेबसाइट डालेंगे। उसके बाद आप इसको डेस्कटॉप मोड में करेंगे। डेस्कटॉप मोड में जैसे ही करेंगे तो ये पेज आपको खुल कर आएगा। यहाँ से जब ये पेज खुल कर आएगा तो आपको लॉगिन करना है टीचर्स लॉगिन पे। ठीक है, टीचर्स लॉगिन पे जैसे ही आप इंटर करेंगे उसके बाद आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर, न्यू रजिस्ट्रेशन 2022-23 पर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। जब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप अपना डाल देंगे उसके बाद एक OTP आएगा, 4 डिजिट का OTP आएगा, उसको आप वेरीफाई कर लेंगे। जब आप OTP डाल देंगे तब यहाँ करेंगे लॉगिन करेंगे, वैसे ही मांगेगा। उसके बाद करना है डू यू वांट टू लॉग आउट, ओके करना है। उसके बाद यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली, यहाँ पर ओके करना है। डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉग आउट, फिर यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद आपका पेज जो है खुल जाएगा। जैसे ही पेज खुलेगा उसके बाद आपको आधार सत्यापन के दिशा निर्देश जो है ये एक PDF आएगी। उसके बाद गाइडलाइंस फॉर आधार वेरिफिकेशन PDF, इसको आपको क्या करना है, ओपन करके इसको सेव कर लेना है, यानी कि इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। उसके बाद इसको क्रॉस कर देना है। उसके बाद जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे जो है आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आप इधर जाएंगे, जैसे ही इधर देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स जो है छात्रों को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया गया। जैसे सपोज दैट किसी छात्र को वेरीफाई करना है तो पहले तो इसके पिछले डेटा देखेंगे। सपोज दैट ये बच्ची क्लास 3rd की है, आहाद हैं, मतलब इनको अगर इनका डेटा कुछ हमें संशोधित करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। सॉरी दोस्तों, अभी वेबसाइट जो है चल नहीं रही है। तो जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे उसके बाद जब डेटा को संशोधित कर लेंगे उसके बाद आप छात्र छात्रा वेरीफाई करेंगे, इसको आप क्लिक करेंगे। वैसे ही छात्र छात्रा जो है वेरीफाई हो जाएगा, फिर लिख के आएगा छात्र छात्रा को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया जा चुका है। इस तरीके से आप बच्चों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो कैसे लगा आज वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।